हेलो किचन मम्मी दी, आप सबका स्वागत है। तो बस अब बच्चों की छुट्टियां चलें और शादी की सीजन भी है, तो बस मैंने सोचा कुछ ऐसे बनाए टू इन वन हो जाए। तो बस ये मस्त यम्मी सा चीज़ी टिक्की बनाते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट लगेंगे, आलू चीज़ और थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे मसाले। तो बस ये उबले हुए दो आलू थे, मैंने उसे मैश कर लिए, एंड देन इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून के ऊपर या आपके स्वाद के अनुसार नमक डाल दो। और इसमें ना फ्रेश वाला जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो डालेंगे। फ्रेश कैसे, ब्रेड लेंगे उसके तोड़ के मिक्सर कर देंगे, बस वो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते। 3 टेबल स्पून के अराउंड मैंने डाला है। आपके आलू पे डिपेंड भी होता है कि कितना चाहिए। और बस थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। मैश मतलब इकट्ठे कर लिए, सब मिक्स कर लिया, आलू नमक ब्रेड क्रम्स तेल सब, और एक अच्छा सा एक डो टाइप का ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो गया। और अब स्टफिंग हम लोग तैयार कर रहे थे, तो बस ये मेरे पास मोजरेला चीज़ थे, मैंने 2 टेबल स्पून के अराउंड लिया है, एंड देन 1 टेबल स्पून के अराउंड सेजवान सॉस या चटनी जो आपके पास है। थोड़ा स्पाइसी के लिए मैंने लिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ी स्पाइसी बस, वो डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, बस ये देख सकते हैं ये ऑलरेडी सब मिक्स हो गए। अब बस आलू में हाथ में थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे हाथ में अच्छे स्टिकी ना हो। और फिर इसमें से थोड़ा सा प्रोपोर्शन लेंगे एक बॉल टाइप का, और इसे रोल करके फ्लैट कर लेंगे बीच में थोड़ा ऐसे, एंड देन इसमें से हम थोड़ा सा हाफ टी स्पून के हाफ कितना लेके इसे स्टफ़ करेंगे ऐसे बीच में डाल के, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे स्लोली स्लोली, और आराम से स्टफ़ भी हो जाते हैं अंदर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्टफ़ हो जा रहे हैं। बस इसे हम थोड़ा सा चिकना कर देंगे एंड फ्लैट कर देंगे, और बस ये ऐसे ऐसे मैंने सब स्टफ़ करके रेडी कर लिया। तो ये देख सकते हैं हम फटाफट स्टफ भी कर लिया, और काफ़ी अच्छे से स्टकिन 4 पीस बने मेरे। और ये देखिए कितना स्टिकी भी नहीं है और एकदम चिकना है। तो बस अब चलो इसे फ्राई करने के लिए तैयारी करते हैं। तो हम इसे डीप फ्राई नहीं सैलो फ्राई करेंगे। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे। और हाँ, मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि मोजरेला चीज़ है वो मेल्ट हो गई, बाहर निकलाना तो हो गया, पूरा चिपक जाएंगे कढ़ाई में, इसलिए स्लोली स्लोली फटाफट, और ऊपर से ऐसे हम तेल डालते रहेंगे। ये देखिए वन साइड हो गया, मैंने इसे पलट दिया है, ऐसे दूसरा भी ऐसे पलट के दोनों साइड अच्छे से हमें फ्राई करना है। और जब से मैं फ्राई कर रही हूँ सैलो फ्राई, तब से हाँ, आप चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और तब चलो हमारे ये भी स्टार्टर भी तैयार हो गया। अब बच्चों की छुट्टी चल रही है तो बच्चों की डिमांड है, तो मुझे ये खाना है वो खाना, तो काफ़ी अच्छे और जल्दी बन जाने वाले स्टार्टर है, और शादियों में मिलते हैं ये, और इसे केचप के साथ सर्व कर। अगर मैं आपको ओपन करके देखूँ, इतना चीज़ी है ना कि पूछो मत। ये देख सकते हैं आप कितना चीज़ी है अंदर से, ये देखें, और इतना स्पाइसी भी नहीं है, बच्चों की लाइक भी है, सब खा सकते हैं। तो उम्मीद करें आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, तो खाओ पियो मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय।